डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसको लोग भगवान का रूप मानते हैं, जिस पर लोग विश्वास करते हैं। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य की डॉक्टर रक्षा करते हैं। प्रोफेसर और इंजीनियर की तरह डॉक्टर को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भगवान हमें एक बार जीवन देता है, डॉक्टर बीमारियों से बचाकर हमें कई बार नया जीवन प्रदान करते हैं। आजकल भले ही चिकित्सकों के पेशे में व्यावसायिकता हावी हो गई है, इसके बावजूद शहर में ऐसे कई डॉक्टर हैं जो पूरी तरह से मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। साथ ही मेडिकल स्टोर संचालक भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए डटे हुए हैं। उनके जज्बे को सलाम है, नमन है। आपका सर अजय कुमार सक्सेना एडवोकेट। आप यहाँ पर कोई मरीज लेके आए हैं? कोई पारिवारिक डॉक्टर जी। और किस प्रकार का इलाज करते हैं? मतलब फायदा मिलता है इनके इलाज से? फायदा मिलता हम लोग आते हैं हमारे पारिवारिक। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई आप? शिवराम कन्नौज से। अच्छा, यहाँ पे आप इलाज पा रही हैं कैसे? मतलब डॉक्टर साहब ने आपको इलाज दिया, कैसे के फायदे दो? सही हो रहा है आपका इलाज? मेरा चालू हुआ है, सही आराम है इसमें। अगर मन में सच्चा सेवा भाव हो और कुछ करने की ठान ली जाए तो कितनी भी बड़ी मुश्किल हो उसे पार किया जा सकता है। इसी प्रकार फतेहगढ़ में मरीजों के दुख दर्द दूर करने में जुटे हैं डॉक्टर बाल गोविंद दुबे व उनके भाई सुनील दुबे। उनका चिकित्सालय बहुत ही छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। घर परिवार छोड़कर मरीजों के उपचार और समय देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। सुबह से ही उनकी दो पहिया गाड़ी या कहें उनका कार्यालय क्लिनिक पर पहुंच जाता है और मरीजों को देखने की शुरुआत हो जाती है। यहाँ वे कई साल से सेवाएं दे रहे हैं। वे कहते हैं व्यक्ति को कभी भी अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहिए, वे मानव सेवा को सबसे बड़ा पुण्य कार्य मानते हैं। जो हॉस्पिटल हैं उनमें इस तरह की नहीं हो पा रही, आप इस कदर पेशेंट देख रहे हैं तो कैसे किस तरह सेवा हो रही है? तो भगवान धनवंतरी जी को स्मरण करते हैं, उनका नाम लेकर के हम लोग तो सेवा भाव के लिए ही बनाए गए हैं। हम लोगों को जो डिग्री दी जाती है, हम लोगों को जो दिया जाता है और ये हम लोगों को सिखाया जाता है कि मनुष्य के साथ अपने भाई, अपने पिता, अपने माता, अपनी बहन के साथ जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के लिए जिस तरीके से हम उनकी सेवा करते हैं, गाढ़े समय में या मनुष्य परेशान है उसकी सेवा करिए। हम लोगों के समय में ये जो है पूर्व धनवंतरी महाराज के समय से भगवान के रूप में जो है श्राद्ध ज्वर भीष्म ज्वर इस चले आ रहे हैं, तो हम लोगों को ये सिखाया जाता है इन परिस्थितियों में कभी डटकर मुकाबला करिए, ऐसे कभी हटिए मत और अपने मनुष्य का, अपनी बिजली का, अपने वैद्य धर्म का पालन करिए। यही सोच करके हमने अपने कर्तव्य का पालन किया और हमारे सभी भाई बहन एवं समस्त हमारी जो प्रजा है वो स्वस्थ रहे। मैं प्रभु से भगवान धनवंतरी जी से मैं यही कामना करता हूँ।